हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और करंट्स पे मैं वीडियो बिल्कुल भी बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या हुआ कि मैं करंट्स पे वीडियो देख रही, अभी मैं मंदिर से आई थी। मंदिर से आके मैं काफ़ी देर, बहुत आधे एक घंटे तक मैं पैदल चली थी, तो आके मैं लेटी थी। जैसे मैंने वीडियो ऑन किया तो एक वीडियो आया, चैनल का नाम मुझे नहीं पता और ना ही मैं देखी चैनल। बस ये देखी, ऐसे बोलते, फ्रेंड ये रोटी है, हम खा रहे हैं, इसका क्रंच कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है रियल लाइफ में रोटी सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मिट्टी का ही रोटी खा लो तुम ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक मैं चैनल देखी थी, आई हेट क्रंच, तो उनका जो टोन सन मेरे को बहुत पसंद है और वो मैं देखती हूँ और अच्छा भी लगता है। और क्योंकि वो क्रंच के ऊपर बोलती हैं नहीं खाने के लिए। देखो जी, अगर क्रंच खाने वाले ज़्यादा हैं तो मना करने वाले, आप सभी की ज़िंदगी बचाने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश हम लोग का यही रहता है कि हम लोग कुछ अच्छा बताएं, अच्छा करें। आगे तो फॉलो करना आपकी मर्जी है, करो चाहे नहीं करो, वो आपकी सोच है कि आप क्या करते हो। लेकिन हमारा तो काम है ना कि समझाना, अगर बुराई है तो अच्छा ही भी है, ठीक है। लेकिन आज अभी मेरे पास कोई क्रंच नहीं है कि मैं आप सभी को मैं बताऊँ, चाहे रिव्यू दूँ कैसा है कैसा नहीं है। और मैं अभी फिलहाल मैं ऑर्डर भी नहीं करती हूँ, नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि मेरे को उसका कोई मतलब नहीं बनता, वेस्ट जाता है, इसलिए नहीं मंगाती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ हो फोड़ के तो फिर मैं आप सभी को गिफ्ट देना होगा, तो आप सभी के लिए बिल्कुल मंगाऊंगी और आप सभी को गिफ्ट भी करूँगी। तो ये सारी चीज़ें तो, और दिन पर दिन यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ क्रंच की जो वीडियो है, मतलब मुल्तानी मिट्टी चाहे ये सब की ना, दिन पर दिन वीडियो बढ़ते जा रही है, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अरे पीछे सोचो कि इससे इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है। एक पता नहीं क्या नाम है वो टीचर जो है, उनको कितनी प्रॉब्लम हुई है, उनका नाम मुझे नहीं पता, नाम तो पता है मुझे फिलहाल याद नहीं है, उनको कितनी प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो आप लोग देखो, हर कोई खाता है, उनको होती है, कोई कोई बताता है, कोई कोई नहीं बताता, लेकिन उन्होंने आप सभी को कोशिश किया, अपने जो उनके साथ प्रॉब्लम होती है सब कुछ शेयर करती हैं, फिर भी किसी की आंखें नहीं खुले ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो प्लीज़ यार, अपने सेहत से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करो। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो जितना आप फॉलो जो क्रंच करते हो उनका करते हो, कभी कभी हमारी भी बातें सुन लिया करो। आप सब नहीं खाओ, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मुझे आज ना, मैं नहीं चाह के भी ना, आज फिर से मैं क्रंच पे वीडियो बना रही हूँ। क्रंच इतनी गंदी चीज़ है ना, इसकी क्रेविंग इतनी गंदी है ना कि आप लाख कोशिश करोगे, बहुत कोशिश करोगे तो भी, जो खा चुका है, जिसको लत लग चुकी है, बहुत मुश्किल है छोड़ना। मतलब एक तरीका से समझो कि आप नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप सब छोड़ो, क्योंकि अच्छी चीज़ तो है नहीं, गंदी है। और गंदी चीज़ ना की लत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सब कोशिश करो और छोड़ो। और क्रंच का जो वीडियो है, आप जितना देखते हो उतना आपको क्रेविंग होगी और खाने का मन करेगा। तो क्रंच देखो, उनका तो क्या है, चलो मैं देखती हूँ 100% सेलो वीडियो, मतलब मैं बहुत सारा चीज़ देखती हूँ कि लोग ऐसे ऐसे लगा के, अरे तुम कहना क्या चाहते हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, जितना तुम जहर खाने का इतना बढ़ंती कर रहे हो, मतलब बढ़ावा दे रहे हो, क्या अच्छी कर रहे हो, अच्छे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आओ, करना है तो कुछ ढंग का चीज़ का बढ़ावा दो कि पब्लिक उसका फॉलो करे। मिट्टी का बढ़ावा नहीं करो, मिट्टी खाने का चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर खाओगे, जो हमारे शरीर है, जैसे होता है कोई चीज़ होता है, फाट कुछ ज़्यादा बोल गई तो हम कुछ भी, फ्रूट व्रूट खाने का ही होता है, और रोटी सब्जी जो नॉर्मल होता है, दाल चावल खाने के लिए बना हुआ है, मिट्टी पत्थर खाने के लिए नहीं बना हुआ है कि हम ये सारी चीज़ें खाएं। इससे खाओगे तो एक प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सबसे तो आपके पाचन जो क्रिया है ना, सबसे खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी। कोई कहता है मेरे दांत खराब हो गए, तो अब मैं तो जितने चबाते हैं ना, कहते हैं कि वही एक वाइट वन वाइट में
हम खा लेंगे, एक वन बाइट में पेंसिल खाते हैं, वन बाइट में वो क्या बोलते हैं नोकोमेट खाते हैं, वन बाइट में पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो यार तुम लोग खा रहे हो, ठीक है खा रहे, क्या वन बाइट में खा के क्या कहना चाहते हो, क्यों ऐसे मूर्ख बना रहे हो पब्लिक को, मत बनाओ ठीक है। तुम लोग को खाना है ना, और इससे तो अभी तो तुम्हें पैसे कमा रहे हो ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं ठीक है, लेकिन जितना तुम पैसे कमा रहे हो ना, इससे 10 गुना ज्यादा कल तुम्हारे बॉडी के अंदर भी लगेगा। तुम लोग का कुछ जो मत, ये जो फैमिली होता है ना काफी परेशान होता है, तुम लोग का कुछ नहीं जाने वाला है। तो मेरा काम होता है, मेरे से नहीं रहा गया तो मैं इस पे आज क्रंच के ऊपर वीडियो बनाते, मैं क्रंच पे वीडियो बनाना चाहती ही नहीं हूँ, क्या फायदा। देखो कोई चीज पे वीडियो बनाओ अगर कोई फॉलो करे तो, अगर मेरे वीडियो बनाने से एक बंदा भी अगर सुधर जाए और एक बंदा भी क्रंच करना छोड़ देना, तो मेरे वीडियो बनाने का सफल होगा। मैं लाख वीडियो बनाए कोई छोड़े नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्लीज आप सब, क्रंच कहता है कि मुझे खाओ ठीक है, आप सब अपनी क्रेविंग को बढ़ावा मत दो, और क्रेविंग आती है तो उस जगह पे उसी टाइम पे कुछ और खा लो, लेकिन क्योंकि ना इतनी गंदी चीज है, इतनी गंदी चीज है ना कि मैं अपनी हर वीडियो में बताई हूँ कि एक तो पहले बार जितनी, अगर आप, मैं तो देखती हूँ ना कि कितनी इतनी सुंदर सुंदर सी लेडीज, इतनी स्मार्ट स्मार्ट लेडीज मिट्टी खाती हैं, उनको साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल में उनकी स्किन इतनी बेकार हो जाती होगी, वो आपको बताने नहीं आएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि बताएंगे तो फिर आप खाओगे कैसे। तो जो नहीं खाते ना प्लीज़, मैं उनके लिए वीडियो बनाए, आदत नहीं डालना, अगर आदत आप एक बार डाल लिए ना फिर दोबारा इसको छुड़ा नहीं पाओगे। तो इसलिए जितना आप है ऐसे दूरी बनाओ, अगर आपको ज़्यादा ये जो क्रंच वीडियो है इसकी भी लत है, इसकी लत है लोगों को देखने की, इसके देखे बगैर उनसे रहा नहीं जाता है, ये सच्चाई है, मैं सच बता रही हूँ। तो अगर आपकी लत है ना, तो आप जब घर में रोटी वोटी खाते हो उस टाइम में देखा करो, फिर आपको क्रेविंग नहीं होगी ठीक है। मैं नहीं चाहती थी इतना कुछ बोलना और नहीं मैं वीडियो बनाना चाहती, लेकिन फिर मैं एक बार और बोल रही हूँ कि मैं इसीलिए बनाई कि यार क्या कर रहे हो, सेलर लोग भी पता है रोटी सब्जी सब बना के सेल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और लोग खाते हैं इतने थाली भर भर के खाते हैं, बाप रे। तो काफ़ी दिनों बाद बनाई हूँ, तो अच्छे लगे तो सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हो, और प्लीज़ ढेर सारी प्लीज वो रिक्वेस्ट है कि आप सब मिट्टी खाना, जितना बच सकते हो मिट्टी खाने से बचो, नहीं खाओ अच्छी चीज़ नहीं है, ये मत समझो कि पेंसिल खा रहे हैं तो सही है, मिट्टी खा रहे हैं तो नहीं सही है, मुल्तानी मिट्टी चिपकती है, पेंसिल नहीं चिपकती है, नोकोमेट नहीं चिपकती, ये सारी चीज़ों को मन में वहम पाल के मत खाओ, सारी गलत चीज़ गलत ही होती है, अच्छी चीज़ अच्छी ही होती है ठीक है ना। मन में अगर ये सोचो कि पेंसिल है नहीं हमारे चिपकेगी, नहीं बाबू चिपकेगी ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ मेरा कहने का, मैं तो काफ़ी टाइम बाद बनाई हूँ और बहुत दुखी होकर बनाई हूँ करंट पे वीडियो, तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट करना ठीक है। ओके बाय, रात को ये रात के बज रहे 8 में जाने खाना बनाने के लिए, गुड नाइट बाय।